सरकार के 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल, मैं उनसे बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। सर, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है? अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को 4 साल दिसंबर में होंगे। मेडिकल और एजुकेशन में जितना काम हुआ मेरे ख्याल से इस 4 साल में पहले कभी नहीं हुआ। 70 साल में जितना नहीं हुआ उससे अधिक काम हुआ। जितना दवाइयाँ फ्री की पिछले कार्यकाल में, पहले दवाइयों के भी पैसे देने पड़ते थे, जांच के भी पैसे देने पड़ते थे। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने जांच, फ्री दवाई, फ्री इलाज, पहले 5 लाख तक का इलाज फ्री किया और अब 10 लाख तक का इलाज फ्री किया। और गंभीर बीमारियां जो है, चाहे उस जैसे हार्ट का है, किडनी का है, लीवर का है, कैंसर का है, जो बड़ी बीमारियाँ हैं उनके लिए चाहे 10 लाख के अलावा, चाहे उसमें 20 लाख खर्च हो, 15 लाख करो, पूरा का पूरा सरकार खर्च करेगी। इतना बड़ा मैसेज है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को, जब अभी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे मानगढ़, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको मांग की थी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये पूरे देश में लागू हो, सबको 10 लाख का इलाज फ्री मिले, गंभीर बीमारियों का इलाज फ्री मिले, राजस्थान का मॉडल पूरे देश में लागू हो। प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखी है, हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करें। बहुत बड़ी, गरीब लोग, आम आदमी, निम्न श्रेणी के लोग थे, इलाज के लिए दवा खरीदने को पैसे नहीं थे, आज उनका 10 लाख तक का इलाज फ्री, किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया तो वो सारा फ्री, कैंसर का पूरा इलाज फ्री। इतनी बड़ी मॉडल स्टेट राजस्थान उभरा है, मैं कहूँगा पूरे देश में अभी कहीं भी राजस्थान जैसा मॉडल स्टेट कहीं नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में से मेडिकल एजुकेशन में देख लीजिए, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज, जिससे गरीबों के बच्चे भी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज जो होगी, नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट का होगा, तो निश्चित रूप से आम आदमी के बच्चे भी उसमें डॉक्टर नर्सिंग बन सकेंगे। इतना बड़ा उछाल मेरे ख्याल से तो जितना 4 साल में मेडिकल में काम हुआ पहले कभी इतना काम हुआ नहीं, क्योंकि दवाई फ्री नहीं थी, फिर काम कहाँ था, ये सारा का सारा काम 4 साल में हुआ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र। सर, योजनाएं लागू हो गई हैं, फ्री दवाई मिल रही है, अस्पताल खोले, लेकिन ग्राउंड लेवल, राजस्थान का ग्राउंड लेवल बहुत लंबा है, रूरल एरिया लंबा, उस वहाँ तक दवाइयाँ कैसे हमारे सब सेंटर जो भी हैं गांव लेवल तक, वहाँ भी 50 दवाइयाँ हर समय मिलेगी, 10 तरह की जाँच वहाँ पर होगी। वहाँ पर CHO और नर्सिंग कर्मी, हमने भी 7,000-8,000 के करीब CHO लगा दिए, 3,500-4,000 की भर्ती और कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी छोटी इकाई जो सब सेंटर है गांव में, उसको भी हमने वहां पर भी 50 दवाइयाँ, एक वहां पर कंपाउंड सीनियर कंपाउंड रैंक का अधिकारी CHO और एक NM वहां रहेगी, छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़े अस्पताल तक नहीं आना पड़े। हम उनको भी अपडेट कर रहे हैं हर जगह ये सेंटर रहे, हमने पूरा नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब जगह भेजने की पूरी कोशिश की है और बहुत जल्दी नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जो भी आवश्यकता है, 1700 डॉक्टर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नई भर्ती कर रहे हैं, बहुत जल्दी दिसंबर से पहले भर्ती हो जाएगी। हम चाहते हैं कि सब जगह हमारा नर्सिंग स्टाफ रहेगा, डॉक्टर रहेगा, कंपाउंड रहेगा, लैब टेक्नीशियन रहेगा, ये सारी जो नीचे के लेवल के जो बीमारियाँ हैं वहीं पर उनका इलाज संभव होगा। कितना काम बाकी है सर, कितना काम और बाकी है? सारा काम, सरकार का काम का अंत नहीं होता है, और कोई मुख्यमंत्री और कोई योजना ले आएंगे, अगला बजट आ रहा है उसमें और कोई दे देंगे तो काम तो, मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे 23 तक सारे, नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे इसी साल, सारे नर्सिंग कॉलेज शुरू कर रहे हैं, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज हो जाएगा, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? विपक्ष कहता है पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो हमारे मुख्यमंत्री जी जादूगर जी है, वही जाने पैसा कहाँ से आ रहा है, पर पैसे कोई कमी नहीं है। आप कहीं जाकर देख लो, इतनी आलीशान बिल्डिंग बनी है, गाँव में सोचते थे कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी हॉस्पिटल की, मिनी SMS लग रहा है अंदर घुसे तो, डिजिटल एक्सरे लगा दिया, सोनोग्राफी लगा दिया, सारी जांच के संसाधन लगा दिए, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं यहां पर लोगों को मिलेगी, इतनी दवाइयां फ्री मिलेगी, लोगों को कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा 2 साल डिस्ट्रिक्ट होकर गई, सर लाल सोट में एंट्री होगी विधानसभा से, तो किस तरह की तैयारी? लाल सोट की पूरी तैयारियाँ हैं, माननीय राहुल जी हमारे यहाँ 2 नाइट स्टे करेंगे, 1 पब्लिक मीटिंग करेंगे और निश्चित रूप से पब्लिक मीटिंग होगी, ऐतिहासिक मीटिंग होगी, ऐतिहासिक उनकी यात्रा होगी और हम सब लोग, इलाके के सारे लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर। लेकिन सर, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी, लेकिन राजस्थान की राजनीति में कुछ जोड़ा हुआ जैसा दिख नहीं रहा। राजस्थान की राजनीति में जो है वही ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, हाईकमान ने भी कह दिया स्टेटमेंट बंद करें,
जो हमारे प्रभारी वो संगठनवाद सचिव ने जो सलाह दी, उसके बाद कोई जिसको कांग्रेस में नहीं रहना वही स्टेटमेंट दे रहा है। जो हाईकमान की सलाह के बाद स्टेटमेंट देना गंभीर बात है, उनको सोचना चाहिए कि हाईकमान ये कह रहा है किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे, फिर नहीं देना चाहिए। मैं किसी की बात पर नहीं जिक्र, मैं किसी की बात नहीं करता। मैं तो तीसरी बार मंत्री हूँ अशोक जी के साथ, ना मेरे को कभी सेक्रेटरी की परेशानी आई, ना कोई विभाग में परेशानी आई, ACR भी मैं खुद ही बढ़ता हूँ, कभी परेशानी नहीं आई। अधिकारी ऐसा कोई अधिकारी नहीं लगा मेरे तीनों कार्यकाल में जिसने मेरी बात को तवज्जो नहीं। तो सर वो तो कह रहे हैं वो उसकी वो जाने, वो उनसे पूछिए। मैं तो तीसरी बार मंत्री हूँ, पर जो भी सेक्रेटरी लगाया वो तत्परता से ईमानदारी से काम करते हैं। मेरे को तो तीसरे कार्यकाल में परेशानी नहीं आई। ACR भरे या नहीं भरे, मैं तो ACR भी भरता हूँ, आती है। हम तो गुड ACR भरते हैं सब अधिकारियों की। अधिकारी जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी ACR भी अच्छी है। 2023 आ रहा है, एक साल बचा है, सचिन पायलट भी चुनाव में है हिमाचल की तरफ, किरोड़ीलाल जी भी घूम रहे हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी को आप? कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये मान लेना है। कितने भी कुछ करे, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, काम से रिपीट होगी। बिजली का बिल फ्री, 50 यूनिट बिजली फ्री, बिजली का बिल फ्री 15,000 करोड़ सरकार दे रही है हर साल। कोई सोचा था बिजली का बिल फ्री हो जाएगा, 10 लाख का इलाज फ्री हो जाएगा? सोचा था कभी? पहले क्यों नहीं किया? पहले वसुंधरा जी भी CM रही है, 2 बार रही है, क्यों नहीं किया बिजली फ्री? क्या? सारा ऋण माफ़ कर दिया, सारा बिजली फ्री कर दिया। और अब हमारा जो बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री कह चुके युवाओं के लिए समर्पित होगा, हम सब युवाओं को लैपटॉप देने का फैसला भी कर लिया। हम चाहते हैं लोगों की जो आकांक्षाएँ हैं ऊपर सरकार खरी उतरे, हमारे युवाओं के लिए बजट होगा, देखना बजट की क्या है। अंतिम सवाल, बीजेपी तो अचेत हो जाएगी हमारा बजट देख के। अंतिम सवाल पूछेंगे सर, बुराजी ने कहा कि अगर सचिन पायलट को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो फॉर्चुनर में समा जाएंगे कांग्रेस के विधायक। अशोक गहलोत से बेस्ट कोई चीफ मिनिस्टर देश में नहीं है, अभी देश में नहीं है। हम तो अशोक गहलोत, जब तक हाईकमान जो चाहेगा वो होता है, अशोक गहलोत को हाईकमान बनाए, जब तक बनाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, ये हाईकमान का फैसला है, हमारा थोड़ी है। हमने थोड़ी फैसला किया हाईकमान ने CM बनाया तीसरी बार, ये तो हाईकमान से पूछे सवाल, यह क्यों पूछते हैं हमसे? BJP वाले कहते हैं कि जब इस्तीफे दे दिए हैं तो फिर भी मंत्री बन के बैठे हैं। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, हम जाने। BJP को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, अगर BJP इसमें पड़ेगी तो सुपड़ा साफ हो जाएगा BJP का।